शुक्रवार को रिलीज हुई छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रेम अमर है प्रदेश के लगभग सभी सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओम शिव साई फिल्म और गरिमा प्रॉपर्टीज निर्माता जेठू साहू और सुनील सागर की प्रस्तुति है, जिसमें एक पारिवारिक ताना बाना बुना गया है। बिखरते परिवार को एक धागे में पिरोए रखने का मैसेज दर्शकों को दिया गया है, जो सभी दर्शकों को काफी भारा है। रविवार को राजधानी के टॉकीज में भी लोग फिल्म देखने पहुंचे, जहां दर्शकों ने फिल्म के पूरे यूनिट से भी मुलाकात की और कलाकारों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। हमारी टीम ने दर्शक और कलाकारों से फिल्म के संबंध में चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी सिनेमा का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और शुक्रवार को ही प्रेम अमर है ये रिलीज़ हुई है। आज रविवार है, तीन दिनों में दर्शकों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में, प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को प्रदर्शित कर दिया गया है। हमारे साथ पूरी टीम है, प्रेम अमर है की पूरी टीम है, कलाकार हैं, निर्माता निर्देशक सभी हमारे साथ खड़े हैं। आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि ये फिल्म क्या उद्देश्य था और किस तरह से लोगों के बीच ये जा रहे हैं। हम निर्माता से बात करेंगे, जेठू साहू जी से। आपने प्रेम अमर है बनाया है, क्या आपकी थीम थी, किस तरह से साहब? ये प्रेम अमर है, मैंने प्रेम के विभिन्न जो चीज़ें हैं उसको मैं परिभाषित किया हूँ। प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, भेदभाव नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता। प्रेम के कई रंग है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हमने फिल्माया है और इसमें हमारे जो जान है फिल्म की, हमारे रजनीश सर हैं, उपासना जी हैं, उषा जी हैं, सरला जी हैं, हेत जैन जी हैं और केशव हीरो है, गुलशन है, ये सब चार चांद लगा दिए। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और गाने तो बहुत सभी दर्शकों को पसंद आ रहा है। गाने जो हैं, हमने एक जो मानवता का जो रंग है, प्रेम का जो रंग है, प्रेम से बड़ी बड़ी युद्ध जो बोलते हैं जीता जा सकता है, अप्रेम इतनी शक्ति होती है, इसको हमने परिभाषित करने की कोशिश किए हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म है, पूरे इंटरटेनमेंट है, बहुत मनोरंजनपूर्ण फिल्म है, ऐसा हमने सोच रखा है। एक इंटरटेनमेंट फिल्म बनाए हैं और रजनीश जी भी इसमें बहुत अच्छी एक भूमिका अदा की है, क्या आपकी भूमिका रही है और किस तरह से उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली एक खलनायक की भूमिका है मेरी फिल्म में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेठू साहू जी का जो मुख्य उद्देश्य है, साफ सुथरी फिल्म और साफ सुथरी फिल्मों का माहौल हमेशा रहे, और इसके लिए वो युद्ध स्तर पर भिड़े हैं और बाहुबली निर्माता हो चुके हैं और लगातार फिल्में बना रहे हैं, और सारी ही फिल्में, किसी भी फिल्म में आपको वल्गरिटी या दूसरे किस्म की चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहती हैं। और ये फिल्म के बारे में भी वो बता चुके हैं, लव कट जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं वो इस फिल्म में हैं। और जिस तरह से रंगमंच में होता है कि हर नाटक का एक मैसेज होता है और कोई सोशल वर्क होता है, कोई समाज सुधारने वाली बात होती है, तो सिनेमा में नॉर्मली वैसा नहीं होता, ये कमर्शियल मीडिया है, यहाँ पे कमर्शियलिटी ज़्यादा होती है, वही इस फिल्म में भी है। बहुत साफ सुथरे तरीके से फिल्म के गाने बड़े मधुर हैं, फिल्मांकन बहुत अच्छा हुआ है, कलाकार बहुत अच्छे, सब ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, और हेश भाई हैं हमारे जो मुंबई से यहाँ पे हैं, केशव भाई, गुलशन भाई, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, दुर्गा सरकार जी हैं और भी यानी कृति ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो फिल्म स्टार वाइज स्टारडम बहुत है इस फिल्म में, काफ़ी जमावड़ा है कलाकारों का इसमें, फिल्म अच्छी बनी है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करके जाएगी। हालांकि त्योहारी सीजन है, इस सीजन में लोग जो है अपने पूजा पाठ और पंडालों में ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ सकता है, पर अगर वो सिनेमा हॉल तक पहुँचते तो उनको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। इस फिल्म के दो कलाकार भी हैं, हीरो हैं गुलशन और केशव हमारे साथ हैं, और केशव ये बताएं कि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई, तीसरा दिन है, किस तरह से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओम शिव साई फिल्म्स के जो बैनर है, बैनर के तले हमेशा साफ सुथरा और रोमांटिक मूवी बनती है, तो इसी कड़ी में ये भी फिल्म साफ़ सुथरी बनी है और इस फिल्म के भी गाने बाकी फिल्मों की तरह बहुत ही कर्णप्रिय है, तो इस हिसाब से दर्शकों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जो नहीं देखे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो आके एक बार फिल्म को ज़रूर देखें। गुलशन, आज इस फिल्म में तुम्हारी क्या भूमिका रही है, किस तरह से लोगों के बीच? मेरी इस फिल्म में केशव भाई के छोटे भाई की रोल है और एक चुलबुले कैरेक्टर का रोल है मेरा। छोटे भाई का मैंने, ये मेरी ऐसे पहली मूवी है जो रिलीज़ हुई है एज ए लीड बोला जाए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था साथ में काम करने का। जेठू भैया का प्यार जो मिला मुझे और सुनील सर का डायरेक्शन में काम करना बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात थी, बहुत ही अच्छा ताना बाना हमने एक साथ जोड़ के किया है और सभी कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सौभाग्य का बात है कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला,
और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को प्लीज़ मूवी देखने के लिए आएँ, थोड़ा सा समय निकाल कर, हमारी मूवी अभी लगी हुई है तो प्लीज़ समय निकाल के आएँ और अपना प्यार आशीर्वाद हमें इतना दें ताकि हम आने वाले समय में और भी अच्छी मूवी बनाएं और अच्छा काम करें उसमें। इस फिल्म में एक मुंबई के कलाकार भी हैं और उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम मुंबई में भी जो फिल्म की कलाकारी है और आगे बढ़ गया, छत्तीसगढ़ भी बहुत आगे बढ़ चुका है, क्या लगता है कि किस तरह से आगे? सर ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेठू साहू जी को जो हमारी फिल्म के निर्माता हैं और काफ़ी टीवी सीरियल, काफ़ी हिंदी मूवीज़ मैंने बॉलीवुड की है, मगर ये पहली मूवी है मेरी छत्तीसगढ़ में जिसको करने का एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सुना था उससे लाख गुना ज़्यादा कहीं अच्छा है। यहाँ पे प्रेम और व्यवहार बहुत अच्छा है और जो मुहिम छिड़ी है एक प्रेम के अमर को लेके, तो ये प्रेम अमर जो एक मूवी है ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कमज़ोर या पीछे है, क्योंकि सबसे प्यारी चीज़ इसमें यह है कि पूरे रिश्तों को बांध के किस तरीके से ये आगे बढ़ती है और हर व्यक्ति को अपने साथ अपने रंग में लेके चलती है। और इसमें जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि इंटरवल के बाद जो भांचा है वो अपना एक नया रंग दिखाएगा, जो कि मुझे छत्तीसगढ़ में ये भी परिभाषा सुनाई दी है कि जो भांजा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी बच्चों से बढ़कर उनको माना जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजनीश झांझी जी का जिन्होंने पूरी मूवी में मुझे सराहा के चला एकदम बच्चे की तरह, और कहीं भी मैं कोई गलती करता था तो मुझे वो बताते थे ऐसा नहीं ऐसा। तो मैं प्रेम अमर की पूरी टीम की तरफ से और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह ये पिक्चर लगी हुई है, आप भले एक दिन के लिए देखने आए और आके आशीर्वाद दें, क्योंकि इसमें जो रंग हैं वो कहीं आपसे छूट ना जाए। और अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेठू साहू जी का कि आपने जिस तरीके से कलाकारों को बांध के चला है और छोटा बड़ा नहीं देखा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रेम के प्रति और इंसानियत के प्रति इतना प्यार रखते हैं। धन्यवाद। प्रेम अमर है अब राजधानी में भी प्रदर्शित हो रही है, लोग यहाँ देखने भी आ रहे हैं। एक ताना बाना बुना गया है जो पारिवारिक परिस्थिति को लेकर, अब देखना है कि दर्शक इसे किस हाथ लेते हैं। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य।